नमस्कार, मेरा नाम भारती है, मैं छपरा की रहने वाली हूँ। हम लोग आए दिन अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का यूज़ करते हैं और इसे फेंक देते हैं। प्लास्टिक हमारे लिए, मानव जीवन के लिए, समुद्री जीव जंतु के लिए कितना हानिकारक है, इस बात को हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन बिना प्लास्टिक के शायद हम लोग का जो जीवन है वो कठिन हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि हर चीज़ जो है वो प्लास्टिक में ही आती है। प्लास्टिक में जो भी चीज़ रहती है वो ख़राब नहीं होती है, शायद इसी वजह से हम लोग इसका यूज़ करना सही समझते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक हम लोग फेंकते हैं वो मानव जीवन और जो जीव जंतु होते हैं उसके लिए कितनी खतरनाक चीज़ है, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अगर बच्चों की रोटियाँ होती हैं उन्हें प्लास्टिक में करके रोड पर फेंक देते हैं। जो बेजुबान जानवर होते हैं उससे प्लास्टिक सहित ही खा जाते हैं, जिसकी वजह जो उनकी मौत का वजह भी बनता है। और हम लोगों के समाज में देखा जाता है, कुछ दिन पहले ही मैंने एक बच्चे को देखा था, इस चीज़ को लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, जो प्लास्टिक जो लोग फेंक देते हैं रोड पर और उस प्लास्टिक को चुनने का काम करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र लगभग 10 से 12 साल के बीच होती है और वो स्कूल जाने की, पढ़ने लिखने की उम्र में ही वो प्लास्टिक चुनने जैसे कार्य को करते हैं। उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी, लेकिन अगर हम लोग प्लास्टिक मुक्त समाज बनाए तो शायद इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग दुनिया में 500 अरब प्लास्टिक बैग का यूज होता है। एक न्यूज़ के अनुसार वर्ष 2008 में कैलिफोर्निया में एक बीच पर एक व्हेल मृत पाई गई जिसके बैग में 22 किलो प्लास्टिक बैग मिला था, जो उसकी मौत का वजह बना। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि प्लास्टिक जो है वन्य जीव जो जलीय जीव के लिए कितना हानिकारक है। जलीय जीव जो समुद्री जीव जंतु होते हैं, वर्ष लगभग 1,00,000 समुद्री जीव जंतु प्लास्टिक की वजह से ही उनकी मौत हो जाती है। तो प्लास्टिक को हम लोग हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे आम जीवन में इतना अपना महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है और उससे हम लोग इतनी जल्दी से नहीं आगे निकल पाएंगे, तो क्यों ना उस प्लास्टिक को हम लोग उसका सही यूज़ करें। प्लास्टिक, बहुत से प्लास्टिक को रिसाइकिल करके कंपनी वाले वापस उसको रिसाइकिल करके प्रोडक्ट उसमें डालते हैं, लेकिन कंपनी तक पहुँचने से पहले न जाने वह कितने पशु पक्षियों के मौत का वजह बनता है। तो क्यों ना जो हमारे घर में प्लास्टिक आते हैं उसे ही हम सही जगह पे यूज़ करें। हम लोग प्लास्टिक के जो चिप्स या रैपर्स होते हैं, बिस्किट के रैपर्स होते हैं, उसे खा के हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ को हम लोग जल संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण में अपना भागीदारी निभाएं सिर्फ प्लास्टिक से, तो यह कितनी खुशी की बात है। इस चीज़ को हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोगों ने नाम सुना होगा इको ब्रिक्स, यानी इको फ्रेंडली ब्रिक्स, यानी जो है वो जो इको ब्रिक्स जो होता है वो हमारे पर्यावरण के लिए अनुकूल है, जिसे हम सिर्फ प्लास्टिक का यूज़ करके बना सकते हैं। जी हाँ, मैंने एक सोशल मीडिया पे ये देखा था कि इको ब्रिक्स क्या होता है और उसके यूजेस क्या है। जैसे इको ब्रिक्स से हम लोग बेंच बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, या फिर जो बड़े बड़े ब्रिक्स होते हैं उनके चबूतरे का निर्माण भी कर सकते हैं। और इको ब्रिक्स बनाते कैसे हैं हम लोग इस बात को सीखते हैं। एक हमें प्लास्टिक का बॉटल लेना है, बिल्कुल इस तरीके का, आप छोटे या बड़े किसी भी बॉटल का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ जो भी किचन का वेस्ट है, जैसे मैगी का प्रोटीन हो गया या फिर बिस्किट का रैपर हो गया या फिर किसी भी चीज़ का रैपर जो प्लास्टिक में हमारे घर में आता है, तो सबसे पहले उस प्लास्टिक से हम लोग उस जो भी चीज़ है उसे निकाल लेते हैं। जब हमें प्लास्टिक फेंकने की बारी आती है तो क्यों ना उस प्लास्टिक को हम लोग धो के पानी से उसे साफ़ कर ले अच्छे से, ताकि किसी भी प्रकार का उसमें गंदगी ना रहे या फिर खाद्य पदार्थ ना चिपका रहे। उसे अच्छे से साफ करने के बाद उसे हम धूप में सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद एक प्लास्टिक की बॉटल जो पूरी तरीके से सूखी हुई रहती है उसमें हम लोग उस जो भी हम लोग का जो रैपर होता है उसमें डालेंगे, और हम इस बॉटल में जो प्लास्टिक का हमारा जो कचरा है वो तब तक भरेंगे जब तक ये बॉटल पूरी तरीके से भर ना जाए, पूरी तरीके से टाइट ना हो जाए, बिल्कुल इनमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो हमारा एक ब्रिक बन के तैयार हो चुका है। हम लोग एक मुहिम स्टार्ट किए हैं जो है प्लास्टिक फ्री चपरा के नाम से, और हमारी टीम में जितने भी सदस्य हैं वो लोग सब लोग इस विषय पे का अपना कार्य कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। अगर आप लोग को भी हमारे टीम के साथ हमारी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग भी हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं या फिर हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर अपना योगदान देना है तो आप लोग प्लास्टिक के रैपर्स को हमारे तक पहुँचा सकते हैं, जिससे हम लोग इको ब्रिक्स बनाएँ और समाज में एक अच्छा संदेश जाए।
इससे क्या होता है ना, जो प्लास्टिक होते हैं, एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे। हमने एक बार, हम लोगों ने गया था, ये हमारे जो छपरा शहर का शिशु पार्क है, इसमें एक तालाब है, और उस तालाब में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारा प्लास्टिक जो है वो फेंका हुआ है। वो प्लास्टिक को घर का जो भी सामान हम लोग खरीदते हैं उस चीज़ का, वो प्लास्टिक का, तो हम लोग जल में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जल जो हमारा दूषित हो जाता है। जो हम लोग छोटे छोटे तालाब में देख सकते हैं कि लोग प्लास्टिक फेंकते हैं, और वही चीज़ हम लोग समुद्र में भी देख सकते हैं कि समुद्री जलीय जीव जो हैं उन्हें कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना जो हम लोग जल, इससे हम लोग जल संरक्षण में भी अपना योगदान दे सकते हैं, और जो हमारा जो पर्यावरण संरक्षण है इसमें भी हम लोग योगदान दे सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक को भी बहुत लोग जलाते हैं, जिसकी वजह से धुआं उत्पन्न होते हैं, जहरीली गैस निकलती है, जो हमारे मानव स्वास्थ्य एवं पशु पक्षियों के लिए भी खतरनाक है। तो आइए इस मुहिम से जुड़े और इको फ्रेंडली देश बना करके अपने समाज को एक नया संदेश दें, और प्लास्टिक मुक्त छपरा को एक नया आयाम दें, और हमारा सपोर्ट करें, ताकि हम लोग अच्छा समाज, अच्छा पर्यावरण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण में हम लोग छपरा को विश्व स्तर पे आगे ला सके। धन्यवाद।